आइए मेरे साथ आज इंडियन देसी तड़का की टीम के साथ में कुछ नए हिंदुस्तान के कुछ स्वाद चखने के लिए। लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर। Hi guys, welcome back to Indian Desi Tadka. This is Ravi Sharma, YouTube के आपके पंडित जी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री नारायण। आज आपको लेकर के चल रहे हैं पुष्कर के एक बहुत ही फेमस चीज खिलाने के लिए, विच इज कॉल्ड पंडित जी के चावल। सो दिस इज पंडित जी के चावल, बोले तो खट्टे चावल और नमकीन चावल। इन साउथ इंडिया इट इज कॉल्ड दही प्रसादम एंड फुली हेरा। तो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ की बहुत ही फेमस है, बहुत ही खास चीज है, आज आपको टेस्ट करके बताता हूँ। और आज चलिए देखिए कैसी चीज है ये। वेल, वैसे पुष्कर में नया रंगजी और पुराना रंगजी के दो मंदिर ऐसे हैं जो साउथ इंडियन टेम्पल्स है, वहाँ पर तो ये प्रसाद प्रसाद के रूप में बढ़ता है। बट वेन पीपल कम्स हियर इन पुष्कर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इनका माली मोहल्ला, देन दे आर वॉकिंग टू खंडेलवाल, धर्मशाला, महेश्वरी भवन, पुराना रंगजी का मंदिर, वराघाट चौक और बद्रीघाट, गौघाट, यहाँ पर सभी जगह इनका ये ठेला। इट्स लाइक मोबाइल प्रसाद वाले। तो इफ़ यू आर कमिंग टू पुष्कर, जस्ट टेस्ट हिम, रियली नाइस, बहुत ही शानदार टेस्ट है इनका। और जैसा भी आपने देखा, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और इंतज़ार करते हैं अपने बारी का, तो उन्हें पंडित जी के चावल खाने को कब मिले। और यहाँ पर लोग ना सिर्फ पुष्कर से बल्कि अजमेर से भी ये पंडित जी के चावल खाने के लिए आते हैं। वेल, दिस इज शिवराज, दिस इज बिहाइंड द टीम। मेरी टीम में कई खिलाड़ी हैं बट ही इज ऑलवेज बिहाइंड द कैमरा। आज पहली बार आपको मैं मिला रहा हूँ ऑन द कैमरा ऑन चैनल, ही इज हियर। साउथ इंडियन साइड का है, इसमें दही चावल और नमकीन चावल बनाता हूँ और पूरे पुष्कर में मेरा नाम फेमस है, पंडित जी चावल वाले। बहुत दूर दूर से आदमी मेरे पास में यहाँ नाश्ता करने के लिए आते हैं और ये पूरे पुष्कर में राउंड लगाता हूँ। कहाँ से कहाँ तक जाते हैं आप? मैं यहाँ से माली मोहल्ले से, मारवाड़ बस स्टैंड के पास में माली मोहल्ला है, वहाँ से स्टार्ट होता है 10 बजे सवेरे, जो घूमता घूमता ब्रह्मा मंदिर तक जाता हूँ। सो दिस इज लाइक वेन यू सी, अब मैंने आपको दिखाया इनका एक ठेला है जिसे मोबाइल वैन भी कहा जाता है या लॉरी कही जाती है। स्टार्टिंग पॉइंट है इनका माली मोहल्ला, जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं और खंडेलवाल, धर्मशाला, महेश्वरी भवन, पुराना रंगजी का मंदिर, वराघाट, बद्रीघाट, गौघाट। और यदि जब कभी इनके पास में सामान ज़्यादा बच जाता है तो इज ऑल्सो वॉकिंग टिल ब्रह्मा मंदिर। तो दिस इज देयर रूट। आप पुष्कर जब भी आएँ तो इनके पंडित जी के चावल खाना ना भूलें, रियली बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही उम्दा और सुपर फाइन क्वालिटी के इनके चावल। क्या पंडित जी के चावल है, खट्टे क्या चरके, खाओ तो मजा आ जाए, ऐसे चावल 10 रुपए में तृप्ति हो जाए। और अब महंगाई बढ़ गई है, 10 की जगह 15 भी लगते हैं तो भी दिल को दुखते नहीं है, ऐसे चावल आपको कहीं खाने को नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जय राम जी। आपने देखा मसाला राइस 15 रुपए की प्लेट है और मिक्स राइस 12 रुपए की प्लेट। नॉर्मली मैं चावल खाता नहीं हूँ बट जब से पंडित जी के चावल के बारे में सुना तो अपने आप को रोक नहीं पाया और सीधा चला आया जहाँ पर से इनका स्टार्टिंग पॉइंट है माली मोहल्ले का, वहीं पर आकर के मुझे चावल
खाने पड़े, बट यहाँ पर आते ही भीड़ पड़ रही थी भाई इनके हमें। So if you want to grab, we start around 9 o'clock in the morning from here. सुबह 9 बजे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और लगभग पूरे पुष्कर शहर का राउंड ही लगाते हैं। मैं कुछ शॉट्स आपको इनके मार्केट सीन वाले भी दिखाऊंगा, तो आइएगा, देखिएगा और खाते रहिएगा। वेल देखिए, आज जब पंडित जी के चावल हमने कर हम शूट कर रहे थे सुबह, और पंडित जी शूट का ठेला जब मार्केट में आता है, एक बड़ी स्पेशल बात मेरे साथ होती है। तो स्पेशल बात ये होती है कि भाई आई जस्ट मेट सडनली डेली फूड वॉक के समवन, आई थिंक यू नो हिम ऑलरेडी, लेट्स मीट हिम। हेलो एवरीवन, आई एम अनुभव सापला फ्रॉम डेली फूड वॉक। तो हम डेली फूड वॉक के अनुभव सापरा जी से मिले एंड सडनली वेंट वेरी नाइस। आज हम दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट हुए और पंडित जी के चावल भी हमने एक साथ ही टेस्ट किए। तो मेरे इंडियन देसी तड़का के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, आई वुड रिक्वेस्ट टू देम, प्लीज़ 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 डेली फूड वॉक का वीडियो चैनल, यूट्यूब चैनल जरूर देखिएगा। इनके काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं और बहुत ही प्यारे वीडियोज़, तो प्लीज़ वॉच ऑल मोस्ट ऑफ द वीडियोज फ्रॉम हिम एंड प्लीज डू सब्सक्राइब हिज चैनल। और आप राजस्थान की और बाकी जगहों के जो खाने जायके हैं, खासकर शाकाहारी जायके, उसके लिए इंडियन देसी तड़का को फॉलो करें। इनका लिंक इनके यूट्यूब चैनल पे है और बहुत ही अच्छा इन्होंने हमें चावल टेस्ट कराया, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, एंजॉय पुष्कर। तो गाइस, आज का हमारा पुष्कर के स्वाद की यात्रा इंडियन देसी तड़का की आपको कैसी लगी, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर पास कीजिएगा, लाइक और प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को। और हमारे चैनल में अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है तो प्लीज़ इंडियन देसी तड़का को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अगली यात्रा के लिए तैयार रहिएगा। शीघ्र ही मैं आपको एक नया स्वाद, एक नया टेस्ट हिंदुस्तान का जायका आपको दिखाऊंगा, उस पर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, नमस्ते, जय श्री नारायण। Yeah, they see that.